सल्लल्लाहु अला हबीबे ही मुहम्मदी वालेही वसल्लम। सलाम हो सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों आज बात करूंगा ट्रैकोग्रामा कार्ड्स के बारे में। बायोलैब बुरेवाला में हमारी बन चुकी है, एक्टिव है। ट्रैकोग्रामा कार्ड्स के अलावा वहाँ पर और भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। क्रैसो परला कार्निया भी वहाँ पर आपको दस्तियाब होगा, उसके कार्ड्स भी मिलेंगे। यानी क्रैसो परला के कार्ड भी मिलेंगे, ट्रैकोग्रामा के कार्ड भी मिलेंगे। क्रैसो परला के कार्ड्स और ट्रैकोग्रामा के कार्ड्स, इन दोनों की थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ। ट्रैकोग्रामा के कार्ड्स आम तौर पर बात करूँ तो सुंडियों के लिए हैं, और क्रैसोपा जो है क्रैसो परला कार्निया जिसे आप बोलते हैं, ये सकिंग पेस्ट, ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए बेहतर है। इनके साथ हम एक ही स्प्रे करवाते हैं, एसपी ग्रीन, यानी एसपी ग्रीन का स्प्रे करते जाएं, और सुंडियों के लिए ट्रैकोग्रामा कार्ड्स लगा दें, रसकिंग पेस्ट के लिए क्रैसोपला कार्निया के कार्ड्स लगा दें। तो ये हमारी बुरेवाला की लैब एक्टिव हो चुकी है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लैब के बारे में थोड़ा सा तारफ आपको करवाता जाऊँ। लैब में इब्तदाई तौर पर हमने जब ये काम शुरू किया तो ये मॉडल सेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसको सक्सेसफुल मेरे मालिक के फजल करम और रहमत से हमने किया। अल्लाह का खास ही इसमें फजल हमें रहा, हमें अच्छे दोस्त मिल गए। तो आप दोस्तों को भी मैं दावा दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये कितनी माशाल्लाह हमारी सक्सेस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए मैंने जहरों से पाक ज़रात की ये एक बुनियाद रखने का फैसला किया था, और उसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। अल्लाह ताला खैर करे, मेरी कब्र में भी इंशाल्लाह मुझे इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। पाकिस्तान में प्राइवेटाइज सेक्शन में मैंने पहली दफ़ा इसकी बुनियाद रखी। ये सक्सेस स्टोरी है आपके लिए कि जो चीज़ बंदा फैसला कर लेता है अल्लाह की रहमत उसमें शामिल हो जाती है, मदद अल्लाह की शामिल हो जाती है। तो ट्रैकोग्रामा कार्ड और क्रैसो परला कार्निया के कार्ड आपको अवेलेबल हैं बुरेवाला वाली लैब, आप उस लैब को विजिट कर सकते हैं। हम बहुत जल्द वहाँ पर सेमिनार भी करवाने जा रहे हैं, आपको उसका विजिट भी करवाएंगे। कार्ड्स हमारे फील्ड में लग गए हैं। अब हमारे वहाँ पर प्लाट में जो काश्त की गई है काटन, हमने बकायदा इसका एक वहाँ प्लाट लगा दिया है। मैंने यही सोचा कि अपने सेमिनार को थोड़ा सा डिले कर लूँ। वहाँ कार्ड जो लगाए हमने क्रैसो परला के भी लगा रहे हैं, ट्रैकोग्रामा के भी, और एसपी ग्रीन का स्प्रे कर रहे हैं। यही तीनों चीज़ें हम कर रहे हैं वहाँ। अब जहरों का स्प्रे बंद कर दिया हमने, कोई वहाँ पर जहरों का स्प्रे नहीं होगा। तो चक 102 ये भी बुरेवाला में हमारी ये लैब है, आप इसका विजिट कर सकते हैं, जब चाहें आप लैब विजिट करें। ट्रैकोग्रामा कार्ड के लिए राणा इकबाल साहब हैं, उनका नंबर स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया, आप उनसे रब्ता करें। हमारे ये मैनेजर हैं वहाँ पर, लैब को ये डील कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में ये बुरेवाला वाली जो लैब है एक संगे मील साबित होगी। हमारा आने वाला दौर जो है वो ऑर्गेनिक ज़रात का दौर है, हमने मिल के अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है। बहुत सारी, मैं बड़ा वादे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मैंने की हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने करनी होती है वो मैंने करनी होती है, क्योंकि मालिक के फजल करम और रहमत से हो जाता है। दिल साफ हो, नीयत साफ हो, रब करीम आपका हामी व नासर बन जाता है, उसकी नुसरत आपके काम में शामिल हो जाती है। आज इस लैब में जाकर देखें, जाकर देखें चाक 102 ईबी बुरेवाला में कि ज़िया आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, जाके तो देखें ज़िया ने क्या इस पाकिस्तान के लिए काम किया है कि नहीं किया। और इसके लिए मैं चौधरी लाइक साहब का बहुत मशहूर हूँ, इंजीनियर लाइक साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि इस सारे प्रोजेक्ट की सक्सेस में उन्होंने मेरे साथ बहुत तआवुन किया, इसमें इन्वेस्टमेंट भी की। अब हम इस लैब को वसी भी कर रहे हैं, इसको बड़ा भी कर रहे हैं, और आपको यहाँ से कार्ड मिल जाएंगे। आप राणा इकबाल साहब से रब्ता करके यहाँ से कार्ड ले सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि इसके किसान जो हैं उन्होंने हमेशा ही तआवुन किया है। मैं पाकिस्तान के किसानों को यूरोप की ज़रात में, अमेरिका की ज़रात में वेलकम करता हूं। अब आप अपने खेत में जहरों के बगैर स्प्रे के बगैर ट्रैकोग्रामा कार्ड, क्रैसो परला कार्ड, इसके अलावा और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पर इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे वक्त के साथ साथ, आप एक नए दौर में जंप कर सकते हैं। आए, मैं दोस्तों आपको दावा देता हूँ, बुरेवाला वाली लैब को विजिट करें। मैंने नंबर भी दे दिया आपको राणा इकबाल साहब का, आए प्लीज़ हमारी लैब को विजिट करें। आपका वहां पर एक विजिट आने वाले पाकिस्तान की एक बुनियाद होगा। ये है नया पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान जिसमें जहरों से पाक ज़रात होगी। आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 2030 के बाद जहरों के स्प्रे पे पाबंदी लग जाएगी, हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये जो कंपनियों वाले बुलंद बाग दावे करते हैं हमारा 5 अरब का बिजनेस, हमारा 6 अरब का बिजनेस, इनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी। यार ये मैं सारे दोस्तों को दावा देता हूँ,
इस पे तवज्जो करें, ये लैब बनाना शुरू कर दें। मैंने आप दोस्तों के लिए एक बुनियाद फराहम कर दी है, जितने भी पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक हैं, मैं साइबान की टीम को, मैं अमरीका की टीम को, मैं सनक्राब की टीम को, टारजन फोरबी की टीम को, सारी जितनी भी ये कंपनीज हैं इनकी टीम को अपने सेमिनार में वेलकम करूंगा। हम एक बहुत अच्छा सेमिनार जुलाई के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मुनक्कद करने जा रहे हैं, तो सारी कंपनीज को, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे हम, और हम आपको दिखाएंगे कि यह है पाकिस्तान का फ्यूचर, हो सकता है, ये कर दिखाया है मैंने, बुनियाद रख दी है। दोस्तों अल्लाह का फजल शामिल था, अल्लाह की नुसरत शामिल थी मेरे लिए, बुरे वाला में मेरे लिए इस लैब की बुनियाद दो तरह से बड़ी फजीलत की हामिल भी है। एक तो बुरे वाला की मिट्टी से मैं बड़ा प्यार करता हूँ, वहाँ पर ख्वाजा हाजी शेर की दरगाह है। ख्वाजा हाजी शेर बरेसगिर के पहले मुसलमान हैं जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। गुरु नानक का भी वहाँ पर ही पहला, आपको पता है कि इबादत गाह थी। जितने भी अल्लाह के बड़े औलिया हैं, मेरे बड़े जद अमजद सैयदना जलालुद्दीन बुखारी वहाँ पर रहे, उन्होंने क्याम किया। सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने वहाँ पर क्याम किया। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने वहाँ पर क्याम किया। अल्लाह के बड़े बड़े औलिया हजरत सैयदना उस्मान मरवंदी ने वहाँ पर क्याम किया। इनकी दरगाह इतनी अफजल है, तो उनके ही शहर में मेरी पहली लैब बनी है, लिहाजा मैं समझता हूँ अपने बाप दादा का हक अदा कर दिया है, और ये बाप दादा की दुआएं हैं। अल्लाह ताला मुझे अपने माँ बाप, अपने बाप दादा के कदम चूमने की तौफीक दे। ये एक मेरे लिए बहरहाल एक इज्जत का बायस है कि मैंने अपने बाप दादा की उस धरती से, ये मुझे अल्लाह ने आगाज़ करने का असबाब फराम किए, दोस्त फराम किए, जहाँ से सारे, जिस शहर में उस्मान मरवंदी आए, जिस शहर में जलालुद्दीन बुखारी आए, जिस शहर में बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी आए, जिस शहर से बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर आए, यानी अल्लाह ने बड़े बड़े नाम जिस शहर से, जिसकी बुनियाद वहाँ से, शुरुआत उनकी उस शहर से हुई, उसी शहर से मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। लिहाजा मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ, और पाकिस्तानियों आपका भी बेहद मशकूर हूँ। आए, ये है वो पाकिस्तान की ज़रात जिसके लिए हमने काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद अज़म जिंदाबाद। चौधरी लाइक साहब, मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, मैं बहुत खसूसी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बेटों का इसमें मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सोयाबीन की बात की तो चौधरी लाइक साहब ने सोयाबीन पहले लगाया, सिट्रस में अल्लाह का शुक्र है टॉप पे हमारा भाग गया, क्योंकि जो बात हम करते हैं वो मानते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज जो है, आपने अगर देखनी है तो बुरे वाले का 102 ईबी में चौधरी लाइक साहब का फार्म आप विजिट करें, आप समझेंगे कि आप तुर्की या यूरोप में कहीं घूम रहे हैं। जदीद फार्म है और जिद्दत है यहाँ पर, और जहरों से पाक ज़रात है, जहरों से पाक पाकिस्तान। आपको मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद। शुक्रिया लाइक साहब, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया किसान।